हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआई मेल की, जो आपके आंसर की डाली गई है 13 अक्टूबर और 26 सितंबर के पेपर के रिगार्डिंग। देखो, मेरे को कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो 13 तारीख को पेपर दे के आया और उसने ये कहा कि हमारे आंसर के में कोई मिसकंसेप्शन है या फिर कोई गलती हुई है। और जो 26 वाले कैंडिडेट हैं उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आंसर गलत दिया है या उन लोगों का आंसर गलत ठहराया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं गाइस कि या तो अगर आपको जिस भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है, आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन ठीक है लेकिन एचएसएससी ने गलत ठहराया है, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना कहाँ से है। कोई भी बोर्ड ऐसे जो आप बुक पढ़ते हो किसी भी राइटर की उठा के, या फिर कोई हैंडमेड नोट्स पढ़ते हो, तो वो चीज़ वैलिड नहीं होती वहाँ पे। या तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए कोई भी ऑथेंटिक डाटा जो भी आपके क्वेश्चन से रिगार्डिंग है, या फिर सबसे बेस्ट है आप आस पड़ोस में, अगर कोई कैंडिडेट के आस पड़ोस में ऑब्वियसली बच्चे मिलेंगे जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी की बुक से प्रॉपर लीजिए वो आंसर। वो बिल्कुल वैलिड और ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है आपके ऑब्जेक्शन लगाने का। अदरवाइज़ आप लगाओगे भी तो भी कोई एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उस ऑब्जेक्शन को गलत ठहराया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे ऑब्जेक्शन आपका लगाना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये पृथ्वीराज चौहान, ये तिरावड़ी बिल्कुल सही है, तरोरी भी सही है, और पहले तिरावड़ी का जो नाम था और तराइन का युद्ध बोलते थे ना यहाँ पे, जहाँ तिरावड़ी में हुआ था, तरोरी भी सही है। लेकिन ऐसे एक ऑप्शन डालते ही क्यों हैं जिनमें आंसर ही ठीक नहीं आता। इनकी जगह इन्होंने यहाँ पे एक ही ऑप्शन डालना था, या तो फिर बच्चा चाहे ए लगाए चाहे सी लगाए, सिमिलर है तो दोनों सही मानने चाहिए। एक तो इस क्वेश्चन पे है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे दूसरा कौन से क्वेश्चन पे है, एक सेकंड रुकिएगा और मैं देख रही हूँ। हाँ, आपको 2 मार्क्स बोनस मिलेंगे, एक तो इस वाले के यहाँ पे खदरी से क्या अभिप्राय है, और एक आपके अनिल विज वाले क्वेश्चन के, तो सब ऐड कर लीजिए अपने 2-2 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे सबको। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे पूरा पेपर ही आपके सामने लेके बैठी हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये मेरे को डैम श्योर है कि यहाँ पर बिल्कुल इज आएगा, आर का कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट, अब मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट तो एक सिंगुलर चीज़ है ना, हिज कैबिनेट तो एक सिंगुलर चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के आती है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब कैरी की जाएगी। और यहाँ पे देखो, मेंबर्स ऑफ भी तो प्रपोजिशन भी तो लगा है, तो इज यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आप लगाइए यहाँ पे। और ये आप पता ही, ये ऑब्जेक्शन आप कहाँ से लगा सकते हो, ये 9th-10th की जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की मिलेगी आपको एरर वाली, या किसी के पास ऑथेंटिक बुक हो ना, वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर यहाँ पे सेंटेंस में इज़ और इज़ आर वाला जो, या फिर हेल्पिंग वर्ब जो प्लूरल और सिंगुलर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट के ही लगता है। यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ का भी यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है भाई, जहाँ पे एट और इन, तो देखो यहाँ पे एट बिल्कुल सही है, इन भी सही है, इन भी गलत नहीं है। आप प्रपोजिशन की ना चैप्टर उठा के देखना, ये सिमिलर होते हैं और हर जगह यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो एट और इन, अब एचएसएससी क्या मानेगी, देखो भाई अगर 7 क्वेश्चन हैं इतने कि ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं, पूरे तो नहीं मानेगी वो, ये बात तो आप लिख के ले लो, 3 से 4 ही क्वेश्चन ठीक होंगे हार्डली, और क्या पता वो भी ना करें। हाँ, एक ये क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल वाला, ये ऑब्वियसली वुड आपका बिल्कुल ठीक है, 9th और 10th की साइंस क्लास, साइंस की जो बुक है 9th-10th क्लास की, उसमें देख लेना, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयल तीनों चीज़ होती है फॉसिल फ्यूल में, वुड नहीं आता है कहीं पे भी। और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई रह जाता है तो प्लीज़ गाइस बताइएगा। यस, गेहूं की फसल बोते हुए, अभी जो सीज़न चल रहा है ये धान कटाई का सीज़न है, इसके तुरंत बाद गेहूं का मतलब बुआई होगी। 21 से 22 कहाँ का टेम्परेचर होता है बुआई करते वक्त, ये नवंबर ऑफ द मिड में आपका गेहूं का सीज़न आ जाएगा, जिसमें हम गेहूं की क्रॉप की सोविंग करेंगे, उस टाइम पे 15 से 18 ही होता है टेम्परेचर। आप एनसीईआरटी से लीजिएगा ये वाला सोर्स। और इसके बाद देखते हैं,
इसके बाद कौन सा है जो यहाँ पे इन्होंने गलत बताया? अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज बताइएगा। इसके बाद एक दो और भी क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, ए और बी दोनों, रोहित शर्मा को भी विराट कोहली को भी। अगर यहाँ पे 2020 डालते, ईयर डाल देते, तो रोहित शर्मा करेक्ट आंसर होता। आपको यहाँ पर सोचना चाहिए था इन्होंने क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया है। किस क्रिकेटर को मिला है? तो दोनों को मिला है, ये सी ऑप्शन। यहाँ पे ना कोई चैलेंज मत कर देना कि मैं रोहित शर्मा लगा के आया हूँ तो मेरे को मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे मार्क्स। और हिंदी का भी था एक क्वेश्चन, मेरे को हिंदी दिखाई नहीं दी कहीं पे भी। हिंदी का भी था एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे आपको ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है। हिंदी कहाँ गई? ये रही हिंदी, ये रही इसमें। हाँ, आधा लीटर बोल रखा है ना, तो परिमाणवाचक में आता है, संख्यावाचक में नहीं आता। संख्यावाचक में प्रॉपर संख्या आती है, इसका परिमाणवाचक ही होगा। ये बिल्कुल सही है ये आंसर। और अगर किसी ने परिमाणवाचक लगाया तो गाइस ये बिल्कुल आपका सही है। और कोई ऑप्शन, और कोई क्वेश्चंस रह गए तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं वो वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके ऑब्जेक्शन के। तो ये नोटिस है भाई आपके ऑब्जेक्शन का। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, सबसे पहले ऑब्जेक्शन का हम ये देखते हैं टाइमिंग और डेट क्या है। इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एनी आंसर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन इस वाली वेबसाइट पे जाओ, फिर क्लिक करना है इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन को, फिर आपको एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, साइट ही नहीं चल रही है। और ठीक है ठीक है ठीक है, ये कल से ओपन होगा भाई, ठीक है ये कल से ओपन होगा 15 तारीख को। मैं आपको ना कल जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है तो प्लीज़ अगर कमेंट करके बता सको तो बता दीजिएगा कि ऑब्जेक्शन लिंक ओपन हो गया है। प्रॉपरली बता दूंगी कि कैसे आपको वहाँ पे ऑब्जेक्शन डालना है, और 5 बजे तक, 17 तारीख तक ही डालना है। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको हरियाणा की वेबसाइट पे। एक चीज़ और गाइज, मैं रात को वीडियो बना रही हूँ, तो कल से नहीं मतलब आज से होगा, आज से ओपन होगा। मैं सुबह अपलोड करूँगी इस वीडियो को, 12 बजे बना रही हूँ तो सुबह ही अपलोड करूँगी, और आज से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको बता दूंगी चैलेंज कैसे करना है, क्वेश्चन को पे ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, क्लिक हियर टू फिल स्क्रूटनी फ्रॉम एडवर्टीजमेंट नंबर 4/20 और 3/21। मैं जैसे ही यहाँ पे टैप करती हूँ ना, तो मेरे पास कुछ और ये सीन आता है। देखो मेरे पास तो ये सीन आता है 14/19 का, खुल ही नहीं रहा 4/20 वाला और 3/21 वाला। तो इसके लिए भी हमें वेट करना होगा, स्क्रूटनी वाले ऑप्शन के लिए, दोनों चीज़ों के लिए वेट करना होगा। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको बोनस मार्क्स कौन कौन से मिलेंगे और चैलेंज कौन कौन से क्वेश्चन को करना है, कहाँ से आपको करना है। ऑब्वियसली 3 से 4 क्वेश्चन तो मानने चाहिए भाई, HSSC को ऐसे थोड़ी होता है हर बार ये ड्रामे चलते रहेंगे। इनके पेपर ही ऐसा बनाते हैं जिनका आंसर ही ऐसे दो दो होते हैं, फिर दो आंसर होते हैं, दो ऑप्शन नहीं देते कि दोनों आंसर लगा दें, एक ऑप्शन लगाना पड़ता है। तो आप बिल्कुल चैलेंज कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम बहुत लेट आने वाला है, ये भर्ती बहुत जल्दी होगी, तो आपको चैलेंज करना है। और गाइज अगर यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई जाएगी, सो डोंट वरी, उस चीज़ के बारे में भी मत सोचो। 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा तो आपका भी नंबर आएगा। और अगर यहाँ पे बात करें तो भाई तो मैं तो यही कहूँगी कि 13 तारीख वालों का तो किसी का नहीं आया कि ऑब्जेक्शन लगाए या नहीं लगाए। एक बार ऑब्जेक्शन लगा दो, रिवाइज आंसर की शायद डाल दें, और रिवाइज आंसर की डाल दी तो उसके बाद देखते हैं फिर कट ऑफ क्या बनती है, ठीक है? थोड़ा पेशेंस रखो तब तक। एंड गाइज ऑल ऑफ यू प्लीज, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बहुत जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, आई थिंक विद इन 1 वीक। सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।